बात होगी बिलासपुर की, जहां पर कलेक्टर ने सारे कोचिंग सेंटर्स में जांच के निर्देश दे दिए हैं। सुरक्षा मानकों से जुड़े चार बिंदुओं में जांच होगी अब कोचिंग सेंटर्स में। एसडीएम के अलावा पुलिस अधिकारी की ड्यूटी लगी है। बिलासपुर में सबसे अधिक कोचिंग संस्थाएं हैं। कई इलाकों में मापदंडों के अनुरूप नहीं चल रहे हैं कोचिंग सेंटर। दिल्ली में जो हादसा हुआ था उससे अब सभी प्रदेश सबक ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी अब कोचिंग सेंटर्स की जांच होगी। बिलासपुर से खबर है, कलेक्टर ने सारे कोचिंग सेंटर्स में जांच के निर्देश दे दिए हैं। सुरक्षा मानकों से जुड़े चार बिंदुओं पर जांच होगी कोचिंग सेंटर्स की। पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। बिलासपुर में सबसे ज्यादा कोचिंग सेंटर्स हैं। कई इलाकों में मापदंडों के अनुरूप कोचिंग सेंटर्स नहीं चल रहे, ऐसे कोचिंग सेंटर सील कर दिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी आशीष दुबे, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, दिल्ली में कोचिंग सेंटर में जो हुआ वो किसी और कोचिंग सेंटर में नहीं होना चाहिए, यही कोशिश है सरकार की, प्रशासन की? जी बिल्कुल सुमित, और इसीलिए शायद जो है जो जिला कलेक्टर है अवनी शरण, उन्होंने बिलासपुर में सारे जो कोचिंग संस्थान हैं उनमें चार बिंदुओं में जांच के निर्देश दिए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं सुमित कि हमारे यहां बिलासपुर में जो कोचिंग संस्थान हैं वो बिल्कुल जो है मापदंडों के अनुरूप नहीं चल रहे हैं। बहुत छोटी छोटी जगह पर बच्चों को ठूस ठूस करके बैठाया जाता है। इसके अलावा जो है आगजनी के इंतज़ाम को लेकर के, भवन अनुज्ञा को लेकर के, नगर निगम के मापदंडों को लेकर के उस तरह से पालन भी नहीं होते हैं। और यही कारण है कि आज जब मौका मिला है, जो दिल्ली की घटना हुई है उसके बाद से छत्तीसगढ़ के तमाम जो कलेक्टर हैं उनकी जो है आंखें खुली है, और उन्होंने ही इस मामले को पूरा गंभीरता से लेते हुए यह स्पष्ट निर्देश दिए हैं। खासतौर पर बिलासपुर के कलेक्टर जो अवनी शरण है, उन्होंने चार बिंदुओं में एसडीएम की टीम गठित कर दी है कि वो जाएंगे जितने भी हमारे यहाँ दयालबंद में है, नेहरू चौक में है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोनी के इर्द गिर्द जो खुले हैं संस्थान, जो है ये कोचिंग संस्थान, उनमें जाकर के अगर कई कोचिंग सेंटर मापदंडों के अनुरूप नहीं पाए गए संचालित तो क्या कार्रवाई होगी, क्या कोचिंग सेंटर्स को सील किया जाएगा? जी बिल्कुल, जो है देखिए शासन प्रशासन के नियम होते हैं, पहले जांच होती है और उसके बाद जिस तरह से जांच रिपोर्ट मिलती है तो ये देखा जाता है कि आखिर जो कोचिंग संस्थान है वो किन जो है नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, और उसके तहत जो विधिवत जो एक्ट में होता है उसके अनुरूप जो है किसी पर जुर्माना लगाने की, या ज़्यादा जो कोचिंग संस्थान ऐसे होते हैं जो ज़्यादा ही नियम को अनदेखी करते हैं तो उनको जो है बंद करने की कार्रवाई, सील करने की भी कार्रवाई करते हैं सुमित। ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।